अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम कहते हैं सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। दिस इज द कंप्लीट टारगेट पेपर ऑफ 9 केमिस्ट्री। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें टू गेट गुड स्कोर इन 9 केमिस्ट्री। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को पूरा वॉच करें कि आपको जो है अपने एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? मेक श्योर करिएगा पहली बात कि कुछ जो डायग्राम्स हैं वो लाजमी प्रिपेयर हो डायग्राम्स के लिए, क्योंकि आपके लॉन्ग्स में जो है वो डायग्राम आने के चांसेस बहुत हैं। तो कोशिश करिए कि डायग्राम की तैयारी करें। डायग्राम के साथ साथ जो है कुछ केमिकल फॉर्मूले और अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन, ठीक है, और बैलेंस इक्वेशन, इनको भी अच्छी तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन में आई। सही है। इस पेपर के अंदर मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल्स भी दे दिए हैं, वरना मैं न्यूमेरिकल शीट देता आपको पूरी, बट मैंने इसी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दे दिए हैं, तो कोशिश करिएगा उनको भी सॉल्व करें। सही है। तो सबसे पहले ये डिफरेंशिएट है, इनको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद आपके पास ये कुछ न्यूमेरिकल्स है। अच्छा, न्यूमेरिकल के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मैं गाइड करता चलूँ कि सबसे पहले जो आपके पास अगर मोलैरिटी के फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि कैलकुलेट करना है मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन जिसमें 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 है, ठीक है? अच्छा, तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये। पेपर्स के अंदर जो है मोस्ट प्रॉब्ली यही न्यूमेरिकल्स आ जाएं, ये क्या पता इनकी वैल्यूज को चेंज कर दिया जाए, तो परेशान नहीं होना। जैसे कि अगर तुम ये अपने कॉपी के अंदर करते हो ये वाला न्यूमेरिकल, तो ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, डेटा की चेंजिंग होगी। अगर पेपर के अंदर 5.3 की जगह पे 3.8 आ जाएगा, तो फिर तुम अपने डेटा को 3.8 कर दोगे। रिक्वायरमेंट जो है अगर Na2 की जगह पर तुमसे कुछ और पूछ लेते हैं, ठीक है, तुम वो कर लोगे। सही है। और रिक्वायरमेंट तुम्हारे पास मोलैरिटी है वो सीधी सी तुम वहाँ पे कर दोगे, अगर ये चेंजिंग हो जाती है तो ये, मगर सॉल्व करने का स्टाइल जो होगा, फॉर्मूला जो होगा वो सेम ही होगा। जैसे आप 5.3 वैल्यूज को रखकर सॉल्व कर रहे हो, उसी तरह 3.8 के करोगे। सही है। तो ये कुछ मुझे समझाना था, बाकी ये आपके पास। अच्छा, रीजन क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में लाजमी इंक्लूडेड है, तो कोशिश करना। वैसे तो रीजन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, जिसका कोई इंपॉर्टेंट कहा नहीं जा सकता, मगर दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मैंने अपने पूरे ओवरऑल जो है जो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन और फिजिकल, उनके लिए लिया था मैंने, तो वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, इनको देख लीजिएगा। बाकी ये सब आपके पास जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये आपके पास केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला में कोशिश करिएगा कि ये भी सॉल्व कर लें, बाकी जो आपके इंस्टीट्यूट और कोचिंग के अंदर जो करवाए हुए हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लें, ठीक है? ये आपके पास बैलेंस इक्वेशंस है, कोशिश करिएगा यही बैलेंस इक्वेशंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये डिफाइन द फॉलोइंग्स हैं, ये आपके पास डेफिनेशंस आपने यहाँ पे करनी है। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, जो कि मैंने 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, कोशिश करिएगा इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। उसके बाद आपके पास ये आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स इन्हीं को प्रैक्टिस करिएगा मोस्ट प्रॉब्ली, के क्या पता ये चीज़ आपकी जो है ना यू की जगह पर कुछ और आ जाए, और फिर आपके पास ये जो है थोड़े बहुत आपके पास ये और न्यूमेरिकल्स आ गए, ठीक है? उसके बाद ये सेक्शन सी है आपका, कोशिश करिएगा कि सेक्शन सी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। ये पूरा आपके पास सेक्शन सी है, ठीक है? मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ये आपका सेक्शन सी है, ये आपके पास जो है क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये ठीक है, और ये ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपनी फैमिली मेंबर्स में शेयर करें, जितना ज़्यादा इसको फैला सकते हैं फैलाएं, ठीक है? और सपोर्ट करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, कि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मुझे सपोर्ट तो बनता है। इंशाल्लाह फिर न्यू वीडियोस के साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।